మైనారిటీ అభివృద్ధి సంక్షేమం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు వచ్చిన ఎన్నికల ఫలితాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మైనారిటీలు తమ వంతు కీలక పాత్ర పోషించి 65 శాసనసభ స్థానాలు గెలిపించి ఒక ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రభుత్వంలో మెజారిటీ మైనారిటీ అనే భేదభావం లేకుండా హిందువులైనా ముస్లింలైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు మనిషి రెండు కళ్ళను జాగృతగా కాపాడుకున్నప్పుడే ఆ మనిషి చూపు గాని ఆ మనిషి భవిష్యత్తు గాని బాగుంటుందని ఏ విధంగా భావిస్తుందో ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా హిందూ ముస్లింస్ ని రెండు కళ్ళలాగా భావించి అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ప్రయత్నం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఈ ప్రయత్నంలో మీరందరూ కలిసి రావాల్సిందిగా మీరందరూ అండగా నిలబడితే మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం మైనారిటీల యొక్క విద్య ఉద్యోగ ఉపాధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అహర్నిశల ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. వివిధ సందర్భాలలో చిన్న చిన్న అంశాల ప్రాతిపదికన ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు అప్పుడప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద అలుగుతూ ఉంటారు. మై ఏక్ బాత్ సాఫ్ సాఫ్ కహనా చాతా హూ, ముసల్మాన్ మైనారిటీ లోగ్ కాస్కర్ ఎమోషనల్ లోగ్ హై, చోటే చోటే చీజోం పే భీ నారాజ్గీ దికానే కే లియే కభీ కభీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కో తోడా దూర్ హోనే కే లియే కోషిష్ కర్తే హై, మగర్ జబ్ జబ్ జరూరత్ హై తబ్ తబ్ हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है तेलंगाना राज्य में. मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है. इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है, उनका कोशिश जारी है. उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा का मंत्री बनाए. आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर लायर इंजीनियर आईएएस आईपीएस जो बन रहा है,
उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना सिख कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लायर बने, इनके पॉलिसी के वजह से 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने, बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में लागू किए, इसीलिए हम लोग डॉक्टर लायर इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे, कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी भूले जैसा कुछ काम करते रहते हैं, उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारे। हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देखे, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए हमारे भाई लोग, बहुत कुछ किए, इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हम लोग। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए तेलंगाना राज्य में भी आए, कर्नाटक से तेलंगाना मक्तल महबूब नगर से पदयात्रा शुरू किए, चार मीनार कने जहां पर हिंदू मुसलमान के लड़ाई कम्युनल वायलेंस में राजीव गांधी जी बड़े भाई हनुमंतराव जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा जहां चार मीनार के सामने किया था, राहुल गांधी जी भी वहीं आके तिरंगा झंडा लहराया। ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का दोनों का दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए मैं आया। इसीलिए चार मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई, उनके बात देकर आप लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक भी एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का, पार्टी ने कोशिश की है। मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है, 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन ने आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए मैं, जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी चार एमएलसी हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से एक माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था उनके पेशे में माइनॉरिटी ऑफिसर जन्नत हुसैन साहब था, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशे में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था। मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आप पे दफ्तर में
आईजी कैडर ऑफिसर माइनॉरिटी ऑफिसर को आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगाए कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपके जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शबीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया, कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया इमरान अली खान को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके हिस्सा, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके मेंबर को दिए, वाइस चांसलर में माइनॉरिटी को हम लोग भागीदारी किए, ये सब किस लिए हुआ? आप लोग कांग्रेस के सरकार ने बनाया, इसीलिए आपके हिस्सा आपके घर पे आ गए। वो कॉलेज हो, सीट हो, सरकार नौकरियों में टीचरों में जो 720 या 725 जो नौकरी मिला कांग्रेस के सरकार बनने के वजह से। इस देश का राष्ट्रपति कितना बड़ा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति माइनॉरिटी को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। देखता हूं तो, और कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, कुछ प्रदेशों में कोई भी पार्टी माइनॉरिटी मुख्यमंत्री को नहीं बनाए, मगर कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी इस देश में मुख्यमंत्री बनाए, इस देश में मंत्री बनाए, इस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कंबाइंड आंध्र प्रदेश में कमालुद्दीन साहब को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ये सब कांग्रेस रहने के वजह से, आप लोग कांग्रेस को जिताने के वजह से ये सब हो जा रहा है। मगर कभी कभी रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे, भाई वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है, वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो, रीजनल पार्टी छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश संविधान आरक्षण खतरा में है, अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं, इस देश को तोड़कर दीवार बना के 2 टुकड़ा करने के लिए वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आगामी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले है आप लोग एक बार याद कर लो, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटक हैदराबाद, महाराष्ट्र, बहुत सारे यहां बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में है। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहां से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है, ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे इस चुनाव में उन लोगों हराना है, नहीं तो नुकसान अपने को पहुंचा देंगे। ये नुकसान ये देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुर्सी में बैठना नहीं बैठने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं है। 70 साल में बहुत सारे साल सरकार चलाए कुर्सी में बैठे, मगर इस बार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है,
संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज के तारीख में महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार बनाने का जरूरत है। उसमें आप लोगों का जिम्मेदारी और आप लोगों का हिस्सेदारी आप लोग बनना है। बाहर किसी को बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो और कोई भी हो, अपने जान पहचानने वाले को, हर किसी को आप बोलो आने वाले दिनों में इस देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगर मोदी को हटाना है, मोदी जी को हराना है, वो राहुल गांधी जी से होगा और किसी से नहीं। इस देश में और कोई ताकत है ही नहीं है मोदी जी को हराने की ताकत, वो खाली सिर्फ राहुल गांधी जी का। जब मणिपुर में क्रिश्चियंस के ऊपर हमला हुए, मोदी जी या अमित शाह, अमित भाई ने वहां पर जाके नहीं देखा। मणिपुर में जब क्रिश्चियंस को तकलीफ आए, तब राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किए। इस देश को जोड़ने के लिए, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने कोशिश कर रहे। उनके दादी देश के लिए शहीद हुई, उनके फादर राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए, इनके परिवार सब कुछ खो लिए इस देश के लिए, इस देश, इस मुल्क को बचाने के लिए। वो परिवार के साथ हम लोग सब खड़ा रहकर उन लोगों को मदद देना है। मैं समझता हूँ यहाँ से जो हासिल हुए, यहाँ पर जो भी हम लोग जमा हुए, अपने परिवार, अपने गांव में भी ये बात को लेकर जाना है, अपने गांव-गांव में कोने कोने पे ये बात ले जाना है। खासकर महाराष्ट्र झारखंड में भी हम लोग मेहनत करना है, कोशिश करना है कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए, महाविकास आगादी को सरकार बनाने के लिए। आप लोग सब साथ देते बोल के मैं समझता हूँ। आप लोग तैयार है? तैयार है? शुक्रिया। बेहद शुक्रिया आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब।